मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए हमारे युवा मोर्चा के साथी जो नारा लगा रहे हैं, युवा मोर्चा है तैयार, अब की बार 400 पार। तो मित्रों, कार्यालय जब उद्घाटन हो रहे हैं तो ये मान करके चले, कार्यालय तो हमारे पहले भी चल ही रहे हैं, आखिर गुरु कलम कमल या जहां भी आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है वो कार्यालयों के अंदर भी हो रहा है, कुछ जगह नए स्थानों पर भी हो रहा है, कार्यालय तो पहले भी है। ये आज नए सिरे से उद्घाटन का हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसका हेतु क्या है? उसका हेतु ये है कि सामान्य दिनों में कार्यालय की भूमिका थोड़ा पार्टी के नाते, पार्टी के मजबूती के नाते, जहां अपने जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ मिलने के नाते, बैठ करके हमारा काम, सरकारी काम, नगर निगम का काम, केंद्र सरकार का काम, इसकी चर्चाएं ज्यादा होती है। लेकिन जब चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आज से हमारे उस काम को जो पहले से चल रहा है थोड़ा बहुत चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आज से शुद्ध रूप से चुनाव की जो पद्धति है उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। चुनाव की पद्धति पर आज से बाकी कामों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में कर दो, लेकिन हर काम अब जो होगा चुनाव में इसका कितना उपयोग है वो काम हमको करना है। ये चुनाव का काम वोटर लिस्टों से शुरू होता है, नए वोट बनाने से शुरू होता है, जो वोटर है उनको संपर्क करने की बात होती है, जो वोटर लिस्ट में आज वोटर नहीं है उनको वोट कटवाने की बात भी होती है, फिर प्रचार के लिए चुनाव सामग्री की बात होती है, चाहे चुनाव अभियान में अन्य प्रकार के विषय है, सोशल मीडिया है, मीडिया है, डोर टू डोर कैंपेन ये अभियान शुरू करना है, पत्रक छपवाने हैं, पत्रक बांटने हैं, प्रचार सामग्री लानी है उसको बांटना है, और धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आता है तो फिर चुनाव में वोटर को तैयार करके और चुनाव की यानी जो दिन है उस दिन बैलेट पे जो मशीन है हमारी ईवीएम वहां ले जाकर के और कमल के निशान पर उसका बटन दबाना है, इसके लिए तैयार। तो मित्रों,